स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह की सच्ची खबरों में। और आपको बता दूं, 10 बड़ी खबरें आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। सुबह के वीडियो में एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के चयन हेतु ग्राम सभा का अभी आयोजन किया गया। तो आप सबको बता दूं, ये खबर हिंदुस्तान वालों ने निकाली थी, जो कि आपका बिहार राज्य है और बिहार राज्य के भागलपुर जनपद वगैरह होगा, वहां से ये खबर है। आपको मैं बताना चाहूंगा और भी डिटेल से कुछ जानकारी इस ग्राम सभा का जो आयोजन किया गया उससे रिलेटेड। आंगनबाड़ी का चयन इस तरह से बिहार राज्य में किया जा रहा है, भर्ती नहीं है वहां पर, लेकिन छोटे पद पर एक आध केंद्रों पर जहां पर कमी है आंगनबाड़ी की, तो वहां पर इस तरीके से जो है पद भरे जा रहे हैं। प्रखंड में रिक्त पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका चयन में अनियमितता की शिकायतें मिलने के बाद खुद बताया जा रहा है, एसडीओ एवं सीडीपीओ ने कई केंद्रों में चयन प्रक्रिया पूरी कराई है। और इसी क्रम में गुरुवार को पीरपैंती एवं महेशराम पंचायत के वार्ड नंबर 2 तथा लिखा हुआ आप देख सकते हैं हरिनकोल एवं रोशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में सेविका सहायिका के चयन हेतु ग्राम सभा की गई है। और एसडीओ सुजय कुमार लिखा हुआ सिंह एवं सीडीपीओ पूनम कुमारी ने आवेदिकाओं के सभी प्रमाण पत्रों का अवलोकन भी किया और एसडीओ ने कहा है कि गहन जांच पड़ताल की जाएगी, तत्पश्चात जो योग्य होगा उनका चयन किया जाएगा। तो अभी 6 तारीख को ग्राम सभा का इस तरह से आयोजन किया गया। यह पोस्ट हिंदुस्तान टीम वालों ने भागलपुर से डाली थी और वो भी अपडेट पड़ा हुआ है थर्सडे 6 फरवरी को, अभी 6 फरवरी 2020 को शाम के टाइम जो है 9:45 पर। तो याद रख सकते हैं आप लोग कि बिहार राज्य में किस तरीके से चयन किया जा रहा है। बहुत से जगह आप भर्ती का इंतजार करते रहेंगे कि भर्ती कब आएंगी, विभाग कब नोटिफिकेशन निकालेगा, जबकि ये छोटे मोटे आंगनबाड़ी के पद हैं। काफी सारे राज्य ऐसे होंगे जो पिछड़े हैं, जैसे बिहार में ही आप देख लें भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी कराई जाती है, लेकिन एक आध जो जहां पर पद भरने होते हैं तो जो है विभागीय जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से भी जो है ग्राम सभा का आयोजन करके आंगनबाड़ी को पद दिया जाता है। तो ऐसे में आप लोग अपने अपने वहां थोड़ी बहुत जो है समझबूझ बनाए रखना। और ऐसे में कहना चाहूंगा, जो बड़ी भर्ती होंगी, जो हजारों की संख्या में जो राज्य सरकार की तरफ से निकाली जाती है एक तरफ से, तो उनके लिए आवेदन आते हैं, नोटिफिकेशन जारी होती है, तो वो जब आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत से भाई बहन इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर एक और लेटर की, जैसा कि हमारे पास आप देख सकते हैं झारखंड की जो आंगनबाड़ी बहने हैं वो भी देखें, अन्य अन्य राज्यों की जो आंगनबाड़ी और भाई बहन है आप सब भी देखें कि झारखंड में सरकार क्या कर रही है। उनका कहना है कि झारखंड के अनुबंध कर्मचारियों का समायोजन यानी कि स्थायीकरण और समान काम का समान वेतन हेतु विभागावार विवरण प्रपत्र यहां पर दिया गया है। कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनको राज्य कर्मचारी के यदि हम दर्जे की बात कहें या फिर नियमितीकरण की बात कहें, तो खास तौर पर नियमितीकरण को लेकर के यहां पर बातें की जा रही हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं, इसमें आंगनबाड़ी बहनों का भी जिक्र किया गया है और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा आंगनबाड़ी बहनों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग आप देख सकते हैं और इसमें आंगनबाड़ी कर्मी लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को और ढंग से दिखाई दे। आप देख सकते हैं छठा कॉलम, इसमें लिखा है आंगनबाड़ी कर्मी, बाल विकास संरक्षण कर्मी, आईसीडीएस और आपका आईसीपीएस वगैरह कुछ लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें लिखा है पर्यवेक्षक, पोषण सखी, मॉडल विद्यालय कर्मी एवं आशा कर्मी, जो भी है इन लोगों को, इनकी संख्या कितनी है, इनकी मांगे क्या है स्थायीकरण को लेकर के और मानदेय को लेकर के, तो वो सारी चीजें विभाग के पास पूरी डिटेल आ चुकी है हर एक विभाग से कि किसको किसको स्थायीकरण किनका हो सकेगा, क्या करेंगे वो आने वाले समय में जो है पता चल जाएगा। यहां पर लिखा है सेविका सहायिका पर्यवेक्षिका, यहां पर सबके बारे में बातें लिखी हुई है, यहां तक की जो है लिपिक विश्लेषक, सांख्यिकी लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, हर किसी के बारे में बातें लिखी है। 1,20,000 पदों की संख्या है कल्याण विभाग समाज कल्याण में, यानी कि बाल विकास विभाग से भी और आपका जो है कल्याण विभाग, तो दोनों को मिलाकर 1,20,000 इसमें कार्यकर्ती हैं, जबकि 80,000 आपकी आंगनबाड़ी बहने हैं सेविका जो कि झारखंड में है। और इसमें जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं इनकी मांगे क्या है, ऊपर यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तथ्यो, यानी कि ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसे ही समान रूप से, तो स्थायी कर्मचारी के समान दर्जा एवं दे सभी सुविधाएं, जो स्थायी कर्मी होते हैं उनको जो जो सुविधाएं मिलती हैं
वो सब आंगनबाड़ी को भी चाहिए। इसके लिए जो है विभाग से उनकी एक तरह की मांगे थी, जिसके संबंध में झारखंड सरकार ने कहा था कि हम आंगनबाड़ी की दशा में जो है कुछ सुधार करेंगे, पैसा भी बढ़ाएंगे और उनको एक अच्छा मजबूत जो है दर्जा भी देंगे। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में झारखंड सरकार का ये कदम आप देख सकते हैं। और ये लेटर हमारे पास 2-3-4 दिन पहले ही आया था, मीडिया प्रभारी भाई ने भेजा था, लेकिन हमने इस पर इतना गौर नहीं किया इसमें क्या लिखा हुआ है, या जल्दी जल्दी में लेटर छूट गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आई होगी आज की खबरें कि झारखंड में भी आपने देखा और बिहार में भी देखा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पर सुनील कुमार पाल हमारे भाई हैं, आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से उनका ग्रुप है, आप देख सकते हैं। वहां पर उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि जिला पोषण विशेषज्ञ की सेवा समाप्त, डीपीओ और सीडीपीओ इनका दोनों लोगों का भी वेतन रोका गया है। ऐसे में जिला पोषण विशेषज्ञ की तो सेवा ही समाप्त हुई है, साथ में डीपीओ सीडीपीओ का भी वेतन रोका गया। और क्या पूरा मामला है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। यहां पर देख सकते हैं जनपद कासगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जिला अधिकारी द्वारा समीक्षा में कड़े फैसले ये लिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गौरतलब है कि जिला पोषण विशेषज्ञ गुंजन शर्मा जिला निवारण समिति की बैठक में लगातार अनुपस्थित चल रही थी, जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इस बाबत जो है टीएसयू को पत्र लिखने के भी जो है निर्देश दे दिए। तो बताया जा रहा है सिद्धपुरा की बाल विकास परियोजना है, अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी के जो है वेतन वगैरह रोके जाने के भी आदेश जारी किए गए। तो उम्मीद करते हैं सख्ती को लेकर के आप लोगों को पता चल रहा होगा कितनी जो है तेजी से सख्ती बरती जा रही है। आगे आप देख सकते हैं वर्षों बाद आंगनबाड़ी केंद्र को अपना एक भवन मिला है, 9 फरवरी की ये आज ही की पोस्ट है। और आप देख सकते हैं जागरण संवाददाता वालों की तरफ से बलिया जनपद से है, बताया जा रहा गांव के राजकीय स्कूलों में वर्षों से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का अब नव निर्मित अपना भवन मिल गया है, जिसे शनिवार को पूरी तरह से नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। नए भवन में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन पर खुशी जाहिर करते हुए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कलावती देवी एवं कार्यकर्ती ललिता देवी सिंधु मौर्य और लिखा हुआ है व संगीता यादव ने कहा कि अब तक जो इनका वहां का सरया डी हु जो भगत है, ऐसा नाम लिखा हुआ है अजीब सा। तो आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता रहा है, यह अनुभव भी अच्छा रहा है, किंतु अब अपना भवन होने से अनेक कार्य आसानी से हो सकेंगे। अब यहां पर खुशी तो बहनों को होगी, क्योंकि यहां पर जब खुद का भवन आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है तो अपना वहां पर रख रखाव हो या अन्य चीजों को लेकर के वो अच्छे से वो बहनें कर सकती हैं। तो यहां पर उम्मीद करता हूं सरकार इन चीजों पर ध्यान दे, आंगनबाड़ी बहनों को उनकी दशा में सुधार करने की जरूरत है। और जहां जहां भवन नहीं है वहां पर भवन देने की जरूरत है, किराए पर जो भवन चल रहे हैं उनको भी भवन विभागीय भवन मुहैया कराए जाएं, क्योंकि जो सरकार पैसा देने की बात करती है, भवन किराया की बात करती है, वो आज के दौर को देखते हुए उतने पैसे में कुछ नहीं मिलता और बहुत सी दिक्कतें आंगनबाड़ी को जो है किराए के भवन पर जो बेचारी बहनें चला रही उनको उठानी पड़ती है। बिहार के कैमूर से एक और खबर आप देख सकते हैं, मोकरी आंगनबाड़ी केंद्र पर हुई है गोद भराई की रस्म। जो मोकरी होगा वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र की ये इस तरह से रस्म वगैरह मनाई गई, आप देख सकते हैं। भभुआ सदर प्रखंड है, मोकरी गाँव है उनके, वहां का आंगनबाड़ी केंद्र पर शुक्रवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शशि कुमार ने जो है गोद भराई की रस्म को पूरा कराया है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो, गोद भराई का कार्यक्रम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, तमाम जगह यानी कि हर राज्यों में ये पोषण अभियान के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका सफल संचालन आंगनबाड़ी के कंधों पर है और आंगनबाड़ी इसकी जिम्मेदारी निभा भी रही है। लेकिन जब जब आंगनबाड़ी अपने मानदेय को लेकर के हर राज्य में धरना करती है तो उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचती जरूर है, लेकिन उसका असर नहीं आता। आगे देख सकते हो बिहार के औरंगाबाद में भी कुछ इसी तरह से जो है रस्म वगैरह मनाई गई, आप देख सकते हो आंगनबाड़ी केंद्र नरहर अम्बा में हुआ है गोद भराई का कार्यक्रम। ऐसे ही तमाम जगह गोद भराई के कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। वहीं पंजाब के पठानकोट से एक खबर है, जो पंजाब की बहनें वो देख सकती हैं, जीओजी टीम ने किया है निरीक्षण, आप लोग देख सकते हैं काफी परेशानी यहां पर हो रही थी, निरीक्षण वगैरह हुआ है। बताया जा रहा जीओजी ब्लॉक प्रधान ठाकर ओम सिंह जो है डडवाल के नेतृत्व में टीम ने गांव लमीनी आंगनबाड़ी सेंटर का औचक निरीक्षण किया, इसमें आंगनबाड़ी वर्कर और बच्चे वगैरह हाजिर थे। आगे आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हो स्तनपान को लेकर के एक तस्वीर बाल विकास वालों की तरफ से ये वायरल की जा रही, भेजी जा रही, जिसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि जो है स्तनपान कराएं, बोतल वगैरह से दूध ना पिलाएं, क्योंकि यहां पर इन चीजों से जो है बच्चे पर काफी असर पड़ता है। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, अरविंद कुमार हैं, उन्होंने एक पोस्ट भेजी है भाई ने, उनका कहना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर जोर दिया जा रहा है। ये जायस वगैरह पढ़ता है, वहां से ये खबर थी कि बहादुरपुर विकास खंड सभागार में विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बाल विकास परियोजना आपका बहादुरपुर की ओर से गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन वहां पर किया गया था। तो उस कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया था वो आपके बीडीओ राजीव गुप्ता थे, उन्होंने किया था और दीप जला करके वो भी। और आगे कहना चाहूंगा, इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता, मंजू सिंह, कुसुम देवी, ऐसे बहुत से हमारे भाई बहन इसमें नाम लिखे हुए हैं, वो सबके सब
सब वहां पर उपस्थित रहे जायस में। आगे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं अमित भाई जी हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज आया है एक वीडियो पर। मैंने एक वीडियो दिखाया था कि अप्रैल से जो प्री प्राइमरी की शिक्षा शुरू होने जा रही है, जिसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि कौन पढ़ाएगा इन सब चीज़ों को लेकर के, और ऊपर से काम का बोझ यदि अन्य राज्यों में देखा जाए तो प्री प्राइमरी तो वहाँ पर चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी का ना तो मानदेय बढ़ाया गया और काम का जो जिम्मेदारी है, काम का बोझ है वो बढ़ गया। ना तो नियमावलियाँ बदली गई, ना तो उनको किसी कर्मचारी का दर्जा दिया गया, ना ही अन्य अध्यापकों के समान उनको वेतन दिया जा रहा है, लेकिन काम बढ़ गया। तो ऐसे में हमारे भाई ने कुछ कहा है, आइए अमित भाई जी की बात को हम देखते हैं उनका क्या कहना है। जैसा कि उन्होंने लिख करके भेजा है कि शिक्षा मित्रों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। शिक्षा मित्रों का अपना कोई विभाग नहीं है, उनकी नियुक्ति प्रधान द्वारा हुई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अपना विभाग है और उनका मंत्रालय है। शिक्षा मित्रों से अच्छी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चे के मानसिक व्यवहार को जानती हैं, उनसे अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती हैं। करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट सेकेंड थर्ड केंद्र हैं, उन सभी आंगनबाड़ी की परीक्षा लें और ले करके जो योग्य हो उनको शिक्षण कार्य में लगा दें, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो उनको गृह भ्रमण जैसे कामों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो यहाँ पर हर कोई भाई बहन यही कहता है और उनका कहना भी यहाँ तक जायज है, क्योंकि यहाँ पर जो योग्य है उसको तो प्राथमिकता से ही आंगनबाड़ी में अध्यापन वगैरह का काम करवाना चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को ये गृह भ्रमण ये सारे काम तो वैसे ही करने पड़ेंगे। ये तमाम राज्यों में मैंने देखा है, बहनों का कहना है कि उनके वहाँ पर जो काम थे वो तो बने ही रहे और भी ये काम जो है वो लाद गए, ना तो मानदेय मिला ना तो कुछ मिला। वहीं पर आगे देख सकते हैं बिहार से हमारे भाई हैं, उनका एक मैसेज लगा हुआ है। उनका कहना है कि 24 फरवरी से आहूत बिहार विधान मंडल की बैठक के पूर्व संयुक्त संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री समाज कल्याण, प्रधान सचिव समाज कल्याण तथा निदेशक ICDS से मिलकर विभिन्न मांगों पर वार्ता करेगा, जिसमें पूर्व के समझौते को लागू करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आगामी विधानमंडल सत्र के पूर्व बिहार के सभी क्षेत्रों में यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय विधानसभा सदस्यों को मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। साथ ही लिखा हुआ तीसरा पॉइंट कि विधान मंडल सत्र के दौरान दिनांक 20/3/2020 को गर्दनीबाग पटना के धरना स्थल पर महाधरना का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं उक्त के बाद भी यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे आंदोलन को और तेज करने तथा हड़ताल आदि विकल्पों पर संयुक्त संघर्ष समिति निर्णय ले सकती है। निवेदक हैं संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन पटना वगैरह से। तो एक बिहार की बहनों आप सबके लिए मैसेज है जो कि आपके वहां जो आपकी समस्याएं हैं उनके संबंध में। आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं भाई के द्वारा जो भी भेजा गया 24 फरवरी में जो बता रहे हैं, 24 फरवरी से आहूत जो विधानमंडल की बैठक में संयुक्त पुरुष जो आपकी समिति है वो लोग जो है पहले तो जो सरकार से वार्ता हो चुकी उनके बारे में बात करेंगे, वो क्या सोचती है सरकार उसके बारे में। जब भी कुछ सार्थक निर्णय आएगा तब तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो वो लोग कह रहे हैं कि हम धरना वगैरह भी करेंगे और ये आगे आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वहीं पर आपको बता दूं बिहार से ही और खबर है कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। गोपालगंज से यह खबर थी। वहां पर आगे आप देख सकते हैं 21 दिनों में सेविका मुहैया कराएं जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र। तो यह दरअसल जो हमारा गोपालगंज वगैरह है वहां से यह खबर थी, जिस पर काफी जो है सख्ती बरती जा रही है कि 21 दिनों में सेविका मुहैया कराएं जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र। तो अब जाहिर सी बात है जो सुपरवाइजर के ऊपर यानी कि सेविकाओं के ऊपर यह सब कुछ, यदि मुख्य सेविका होंगी तो उनसे मांगा जा रहा है। अब इसी तरीके से जो है आंगनबाड़ी बहनों को अपना अपना काम वहां पर इन चीजों को लेकर के तेजी के साथ करना पड़ रहा है। आगे आप देख सकते हैं शिवम दीक्षित प्रेरक भाई हैं यूनियन से, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि डबरा वगैरह पड़ता है पिछोर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश से खबर है, 800 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर बाल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री श्रीमती इमरती देवी किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत 1386 कृषकों को बता रहे हैं कि 8,36,00,000 के ऋण भी माफ हुए हैं। किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए ऋण माफ नहीं और सोसाइटी के लिए ऋण माफ है, ये क्या माफ लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश से ये हमारे शिवम दीक्षित भाई ने जानकारी भेजी थी। 800 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको अपग्रेड करने की बारी है, ये आपके काम की खबर है जो मध्य प्रदेश की बहनें हैं कि वहां पर ऐसा सब कुछ चल रहा है। बाकी आप देखते हैं विभाग वाले अधिकारी कहते तो बहुत कुछ है कि आंगनबाड़ी गैर विभागों के काम नहीं करेंगी, ऐसे इमरती देवी ने भी तमाम लेटर निकाले थे लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। हर जगह की यही हालत है, विभाग कहता कुछ और है और होता कुछ और है, मंत्री कुछ और कहते हैं लेकिन वो होता नहीं है। वहीं पर हरियाणा की तरफ से आप देख सकते हैं शिवम दीक्षित प्रेरक यूनियन से भाई हैं,
उन्होंने एक लेटर भेजा है जो कि प्रेरक भाई जो हरियाणा के हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, साक्षर भारत मिशन के पूर्व प्रेरकों की बहाली के संबंध में। तो हरियाणा में प्रेरकों की बहाली के संबंध में ये लेटर है जिसमें कुछ उनकी मांगे वगैरह थी वो भी लिखी हुई हैं। इसके बारे में सुधांशु पटेल पर मैं जानकारी ले आऊँगा। सच्चिदानंद कनौजिया भाई हैं, उन्होंने बताया कि पोलियोग्रस्त दिव्यांगों के लिए वरदान बनेगी जो है करेक्टिव सर्जरी। तो इस सर्जरी को लेकर के भी काफ़ी बातें उठ रही हैं पोलियोग्रस्त जो भी दिव्यांग होंगे उनके लिए। तो यहाँ पर इसके बारे में भी जानकारी आप लोग यदि चाहते हैं तो हमसे इस चीज को मांग सकते हैं। वैसे कोई ज्यादा खास चीज नहीं है जो आप लोगों के काम की होगी। आगे आप देख सकते हैं बलरामपुर से एक लेटर हमारे पास लगा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं 7 तारीख का लेटर है जिसमें लिखा है जैसा कि आप अवगत हैं, बलरामपुर की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर, 17/2/2020 से दिनांक 29/2/2020 यानी इसी महीने फरवरी में, 17 फरवरी से 29 फरवरी तक जो है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा घरों का सर्वे कराया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक परियोजना की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए प्रारूप पर अपने अपने सर्वे क्षेत्र में 25 घरों का सर्वे कर रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित करेंगे। अतः आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देशित कर दें कि अपने अपने सर्वे क्षेत्र के घरों का सर्वे कर रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बलरामपुर के, उन्होंने ये आदेश दिया है जो स्वास्थ्य विभागों का काम भी आप करें। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं अपने विभाग के लोग कैसे अन्य विभागों के लोगों में जबरदस्ती आंगनबाड़ी को लगवा रहे हैं। ऊपर से केंद्र सरकार लेटर निकालती है कि आंगनबाड़ी गैर विभागों के काम नहीं करेंगी, सिर्फ पोषण अभियान संबंधी कार्यक्रम करेंगी। लेकिन यहां पर कोई भी काम आया, ये तो एक मान लीजिए तो आज तक करती ही आई है फाइलेरिया उन्मूलन वाला, अब आगे और भी काम आते हैं वो भी आंगनबाड़ी पर ही थोप दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी के साथ में गलत हो रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आंगनबाड़ी की कोई सेवा नियमावलियां तय नहीं है कि वो उनको क्या करना चाहिए, जिसके आधार पर वो न्याय पाने के लिए न्यायालय जाए या कोर्ट जाए और कोर्ट से उनको न्याय मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।